अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक स्पेसिस का टॉपिक हमारा चल रहा है और मैंने इससे रिलेटेड आपको नेबरहुड, ओपन स्फीयर, ओपन सेट्स और मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आपको जो है वो डिटेल में बताई है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है, आज मैं आपसे कुछ डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक स्पेस के हवाले से, उन डेफिनेशन को डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट वन इज़ द लिमिट पॉइंट। नाउ वी विल मूव टू इट्स डेफिनेशन। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज आपको मेरी मिलती रहें। लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको सबसे थोड़ा सा, मैं आपको इस डेफिनेशन को बाद में पढ़ती हूँ, मैं ज़रा इसकी क्राइटेरिया को बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि अगर हम एक एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स स्पेस लिया एक्स टी, जो पहली लाइन थी वो मैंने यहाँ पर एक्स टी एक लेटेक एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस लिया। उसके अंदर मैंने एक उसका सबसेट लिया, लाइक अगर मैंने इस तरीके से उसका एक सबसेट ले लिया, इट्स लाइक दिस ए। ए मैंने उस मैट्रिक्स स्पेस का क्या लिया, सबसेट लिया। अब मैं इस लाइन को पढ़ती हूँ, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। नाउ अब मैंने एक पॉइंट पी लिया। अब आप लुक एट दिस, आप इस पॉइंट को जो यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो किससे है, एक्स से है। अब देखें, आपने इस पूरी मैट्रिक्स स्पेस में से एक पॉइंट पी उठाया है, ठीक है। अब वो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो पॉइंट, वो जो पी आपने लिया, वो हो सकता है वो ए के अंदर हो या ए से बाहर भी कहीं हो सकता है, क्योंकि आपने एक्स मैट्रिक्स स्पेस से लिया है ना वो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो है वो ए के अंदर ही मौजूद हो। तो हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ली और एक उसका सबसेट ए ले लिया, ठीक है, और पी एक ऐसा पॉइंट लिया जो कि एक्स का कोई भी पॉइंट है, भी एनी पॉइंट। उस पी पॉइंट को मैं क्या कहूँगी, वी देन वी सेट दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड टू द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब वो लिमिट पॉइंट किसका बनेगा, इस ए का, ठीक है। वो पॉइंट पी उस लिमिट पॉइंट का क्या बनेगा, सॉरी, वो जो पॉइंट पी होगा वो उस सेट ए का क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। किस सूरत में, क्या क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता होगा, कि इफ ओपन स्फीयर ऑफ पी, अगर मैं उस ओपन स्फीयर, उस पी के गिर्द एक ओपन स्फीयर बनाऊं, लुक एट दिस, इस तरीके से एक ऐसा ओपन स्फीयर बनाऊं कि इफ ओपन स्फीयर ऑफ पी कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, वो क्या करे कि वो पॉइंट ए का अदर देन बी, बात को समझें कि उस पी के अलावा, अगर तो वो पी ए में है, जब भी अगर वो पी ए में नहीं है तो उसके अलावा उसमें किसका एक पॉइंट मौजूद हो, उस सबसेट ए का जो आपने एक्सट्रीम मैट्रिक्स स्पेस से ली है। देखें, और अदर देन पी का मतलब उस पी के अलावा भी उसके एलिमेंट हो। अब उसमें वो बनने वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो लिमिट पॉइंट होंगे। किसके लिमिट पॉइंट होंगे, वो हमारे पास उस सेट ए के लिमिट पॉइंट होंगे। देखिए, मैंने एक ओपन स्फीयर ली, सॉरी, एक मैट्रिक्स स्पेस ली, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर उसका एक सबसेट अभी आपके सामने जो लिया, ए लिया। अब मैं उसमें एक पी पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस पे, जाहिर सी बात है और भी पॉइंट लूँगे ना सेट ए के, इसके अगर वो पी इसमें मौजूद है और यहाँ पे मैं एक ओपन स्फीयर बनाती हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक्स वन पॉइंट है, अगर इसका फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स टू पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इस पी के ओपन स्फीयर में आ गए। लेट मैं कह रही हूँ कि अगर ये इस पी के ओपन स्फीयर में आ गए, जो कि क्या होंगे, इस सेट के ए के पॉइंट्स हैं लेकिन अदर देन पी हैं, तो ये वाले जो पॉइंट होंगे जो अदर देन पी हैं, ठीक है, इफ ओपन स्फीयर ऑफ पी कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन पी, तो देन ये वाला जो पॉइंट पी होगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज़ क्या शो कर रही है, देखें, ए माइनस दिस पॉइंट पी, ठीक है। अगर आप ए सेट के जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसमें से आप उस पी वाले एलिमेंट को क्या करो, उस पी वाले एलिमेंट को आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका इंटरसेक्शन लो उस ओपन स्फीयर से जो कि आप उस पी के पॉइंट पे बना रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास खाली सेट नहीं होना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कि कोई ना कोई एक पॉइंट इसके दरमियान में मेरे पास क्या आना चाहिए, कोई ना कोई एक पॉइंट इस पे कॉमन होना चाहिए, या तो खाली सेट ना हो या फिर इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें आए, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, तो देन मैं कहूँगी कि ये बनने वाले जितने भी इस टाइप के पॉइंट्स होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। नाउ वी विल मूव टू ड्राइव सेट डेफिनेशन।
अब हमने जो है वो लिमिट पॉइंट्स पढ़ लिए क्या हैं, हमें क्लियर है ये लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। अब अगर मैं उन तमाम लिमिट्स पॉइंट्स लूँ और उनका एक सेट बना लूँ, देखें डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड द ड्राइव सेट एंड इट इज डिनोटेड ए ऑफ ए डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि ऐसा सेट जिसके अंदर आप तमाम कलेक्शन ले लो किन पॉइंट्स की, लिमिट पॉइंट्स की। ठीक है, इस सेट की जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ड्राइव सेट कहलाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इट्स अ इंटीरियर ऑफ अ सेट, डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ अ सेट, इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, अ पॉइंट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यानी अगर जो भी हमने उसका सबसेट लिया है किसी एक मैट्रिक्स स्पेस में, हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ली, ठीक है, उसमें हमने एक सबसेट लिया ए, ठीक है, उसके अंदर जो पॉइंट हमने एक्स लिया है वो उस सूरत में क्या होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, क्या चीज को सेटिस्फाई करेगा, लुक एट दिस। एक यहाँ तक मैंने जो डेफिनेशन थी वो यहाँ तक आपको बता दी। अब इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SRX such that SRX is contained in A, set A में ही contain करे। यानी for example, अब ये matrix space है, एक मिनट में, हाँ इसको थोड़ा बड़ा करके आपको बताती हूँ। अगर ये एक matrix space let XD, यानी X and D हमने एक matrix space ली है, और अगर मैंने उसमें एक A subset लिया उसका A, ठीक है, अब यहाँ पर जो point X लिया है उस पर मैंने क्या किया, एक open sphere बनाई, ठीक है, एक open ball बनाई है। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये open ball इस ए के अंदर पूरी की पूरी कंटेन करे, इट मींस दैट के बाहर भी बहुत पॉइंट होंगे ना, क्योंकि एक मैट्रिक्स स्पेस है, इसके बाहर भी है सबसेट के एक्स एक्स टी के बहुत सारे पॉइंट है, लाइक एक्स टी के जो भी हमने एक मैट्रिक्स स्पेस ली है, ठीक है, उस एक्स टी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब इसमें भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अब उसके कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो इस पे बनने वाला ओपन स्फीयर होगा, जो मैंने इस एक्स पॉइंट को लिया है, उसके गिर्द बनने वाला ओपन स्फीयर सिर्फ उस पॉइंट ए के, जो आपने सेट ए लिए हैं उसी के ही सारे पॉइंट अपने अंदर कंटेन करें, और वो पूरा का पूरा उस ए सेट में कंटेन करता हो, अदर देन इस ए के बाहर का कोई पॉइंट उस ओपन स्फीयर में नहीं होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर एक ओपन बॉल बनाती हूँ, तो देखें अगर इस तरीके से बनाऊंगी तो ये बाहर के पॉइंट भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये मेरे पास जिस पॉइंट के गिर्द मैंने ओपन बॉल बनाई है, वो पॉइंट उस ए का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें अदर देन सेट ए के भी एलिमेंट आ गए हैं। तो ऐसी एक ओपन बॉल आपने बनानी है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस सेट ए के अंदर ही कंटेन करेगी, या फिर वो वही पॉइंट अपने अंदर लेगी जो सेट ए के होगी, ठीक है। यहाँ तक जो था मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से आपको, आई होप कि आपको इंटीरियर समझ हो आ गया कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। दोबारा पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स एंड द पॉइंट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SRX सच दैट SRX इज कंटेन्ड इन ए। अब इन्हें आगे क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट लिया उसकी गिर्द ओपन वॉल बनाई, फिर इतने सारे बन जाएंगे, जब जो हर वो पॉइंट जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता होगा वो इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब मैं उन सबका क्या कर रही हूँ, कलेक्शन, द सेट ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ ए इज सेट टू बी द इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय। अब ये बता रहा है कि हमारे पास हम इसको डिनोट किससे करते हैं, इस ए नॉट से इसको डिनोट किया जाता है, और इसको इंटीरियर ऑफ ए, यानी वो जो सेट ऑफ कलेक्शन आपने इंटीरियर पॉइंट्स के लिए होगी उसको हम इंटीरियर ऑफ ए या ए ऑफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दस इंटीरियर ऑफ ए इफ द सेट, इसको कैसे बताया जाता है, देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए एस आर एक्स। अब आर आपने वो लिया होगा जो कि उसका कोई भी रियल नंबर है, देखें आर एक्स ग्रेटर देन जीरो, कोई भी ऐसा जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी एस आर एक्स एक्स इज कंटेन्ड इन ए फॉर सेम सम आर एक्स इज ग्रेटर देन टू जीरो, इस तरह की कलेक्शन के जो सेट होंगे वो इंटीरियर ऑफ ए होगा। इस चीज को मजीद समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। फाइंड द जेड नॉट इन आर, आपने रियल नंबर के अंदर, आपको पता है कि जेड आपके पास क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, z
जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, हमारे पास ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। अब ज़रा आप इसको एक रियल लाइन में रिप्रेजेंट करके देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ टू, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर चल रहा होता है, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ माइनस टू, मैंने एक रियल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। अब ज़रा इस रियल लाइन पर आप ये बात को देखेंगे कि मैं अगर इस छोटा सा, अब ओपन बॉल तो मैं इसमें नहीं बना सकती, लेकिन अगर मैं एक इंटरवल की सूरत में अगर यहाँ बात करती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ इंटरवल बनाया है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स के नंबर नहीं आ रहे, असल में इसमें क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स के नंबर। यानी हमारे पास रियल लाइन किसके इक्वल होती है, रैशनल और इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो टोटल हमारे पास एक रियल लाइन होती है। जब मैंने यहाँ पर एक इंटरवल बनाया, खुद से कंस्ट्रक्ट किया, तो वी विल लुक एट दिस, हम यहाँ पे ये बात देख सकते हैं कि मेरे पास देखें कितनी दूर है सेट ऑफ इंटीजर का नंबर, या तो जीरो हो सकता है या टू, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो किसके हैं, सेट ऑफ रियल नंबर यानी रैशनल या इरेशनल, इट मीन्स के यानी पॉइंट्स होंगे, कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे, जैसे वन के बाद 1.1, 1.2, इस तरह के पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस जेड नोट के लिए, क्योंकि छोटा सा छोटा रेडियस पे ओपन स्फीयर ले रही हूँ, तो वो इस इंटीरियर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ये ओपन बॉल ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर जेड के ही पॉइंट होने चाहिए, यानी जेड के अंदर पूरा का पूरा कंटेन करना चाहिए। लेकिन हम याद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बनने वाला, जो भी मैंने छोटा सा एक ओपन इंटरवल बनाया है, या जिस तरीके से भी इस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ पर आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास जैसे 1.1, 1.2 है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का के सेट में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास जेड नॉट इज एम्प्टी, हम एम्प्टी होगा, हमारे पास खाली सेट होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। वो इस सूरत में नहीं आएगा क्योंकि व्हेन वी कंस्ट्रक्ट एन ओपन स्फीयर ऑफ अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेडियस सेंटर्ड एट एक्सिस बिलोंग्स टू दैट, तो इट मस्ट कंटेन अ रैशनल इरेशनल नंबर, सो दिस ओपन स्फीयर इज नॉट कंटेनिंग जेड, ठीक है। ये वाला जो ओपन स्फीयर होगा वो जेड के अंदर कंटेन नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास ये एक फाई या एम्प्टी होगा। अब हम डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ अ सेट की तरफ मूव करते हैं। एक्सटीरियर ऑफ अ सेट डेफिनेशन इज लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, आ पॉइंट एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अच्छा, हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर इंटीरियर की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई। यहाँ पे मैं अगर एक मैट्रिक्स स्पेस बना रही हूँ, ठीक, और उसमें एक ओपन सेट ले रही हूँ ए, एक मैट्रिक्स स्पेस हमने ली और एक ओपन स्फीयर, ठीक है, सॉरी एक ओपन सेट लिया और एक मैट्रिक्स स्पेस ली। अब उसके अंदर वो ये कह रहा है कि अच्छा, अगर ये हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट, उसका कोई सा भी जो है वो सबसेट है उस मैट्रिक्स स्पेस का, तो बाहर हमारे पास क्या होंगे, मैं इसको अंदर ए को अंदर लिखती हूँ ना आपको बताने के लिए कि ये एक सेट लिया मैंने इसका, तो बाहर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं क्या होता है, कि हमने जब कभी सेट में भी किसी कॉम्प्लीमेंट की बात की थी तो हम यही कहते थे कि आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालें। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है लाइक दिस, तो हमारे पास कोई भी सेट ए होता था, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 कोई भी सेट ए है, और आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन होता था लाइक 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो आप कैसे निकालते थे, आप क्या करते थे, यू में से माइनस करते थे उस ए को, तो वो आपके ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता था। मैंने यहाँ भी यही किया है ना, मैंने क्या किया है कि मैंने उस एक्स टी मैट्रिक्स में से उस ए को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट वो तमाम एलिमेंट जो कि सेट ए में कंटेन नहीं करते होंगे, मैं सेट ए के को निकाल के, यानी अगर आप इस हिस्से को निकाल दें तो जो बाकी के एलिमेंट होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट के होंगे। तो लेट ए बी आर सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, आ पॉइंट एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने पॉइंट कहाँ लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर लेना है, ठीक है। ये एक्स पॉइंट आपने कहाँ लिया, ए कॉम्प्लीमेंट में, इस सेट टू बी एन एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट में पॉइंट लिया है वो किसका एक्सटीरियर पॉइंट होगा, इस सेट ए का, इस सेट ए का क्या होगा, एक्सटीरियर यानी उसके बाहर का पॉइंट होगा। आपको एक्सटीरियर से बात समझ में आ ही रही है कि उसका बाहर का कोई पॉइंट, तो एक्सिस बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट सेट टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर
SRX such that SRX is contained in E of complement. यानी ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पर जोन से भी ओपन बॉल बनाएंगे, ठीक है, ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो इट मस्ट बी कंटेन इन ओनली दिस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी उसके अंदर आने वाले जितने पॉइंट्स होंगे वो ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट के ही होंगे, ठीक। तो दोबारा यहाँ तक डेफिनेशन आई हो कि आपको समझ आ गई हो कि ए कॉम्प्लीमेंट पे मैं उसके पॉइंट लूँ, उस पर ओपन स्फीयर बनाऊँ और ओपन स्फीयर ऐसे हों मेरे पास कि वो उस ए कॉम्प्लीमेंट में ही कंटेन करें, तो मेरे पास क्या होगा, वो उस सेट ए का क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा, यानी बाहर का पॉइंट। तो लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, अ पॉइंट एक्स इज बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट एस आर एक्स इज कंटेन इन ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो द सेट ऑफ ऑल द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज सेट टू बी द एक्सटीरियर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई एक्सटीरियर ऑफ ए। यानी आपने जितने भी आप कलेक्शन लेनी है जितने एक्सटीरियर पॉइंट्स की, उनको आप डिनोट करेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए से, या वो पूरी की पूरी कलेक्शन होगी एक्सटीरियर ऑफ ए की, उस पूरे सेट को कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर हम एक ओपन इंटरवल के रेस्पेक्ट से 0 and 1 मैक्स इंटरवल लेती हूँ, तो देन ईच एक्स इज लेस देन 0। क्या बात कर रहा है कि आप x से नीचे के तमाम नंबर्स ले लें, ठीक है, और वन और x इज ग्रेटर देन 1, लुक एट दिस, x इज ग्रेटर देन 1 और 1 के बाहर के तमाम एलिमेंट्स, यानी इसके बाहर कंटेन करने वाले ना, यानी x लेस देन 0 से और x इज ग्रेटर देन 1 से, इनके जितने भी कलेक्शन यहाँ मेरे पास जो पॉइंट्स की आएगी वो सबके सब क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे उस पॉइंट के, यानी इसके बाहर के एलिमेंट उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। आई होप कि आपको आज की सारी डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है, ट्राई सेट एंड लिमिट पॉइंट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।